केकेआर के आरआरआर ने फिर किया कमाल, पहले बल्ले से फिर गेंद से रसेल ने मचाया धमाल। बुमराह और चावला की मेहनत पर फेरा पानी, मुंबई की हार में बल्लेबाज हैं गुनेगार। हार्दिक भी नहीं टाल पाए हार, जीता हुआ मैच हारते ही गुस्से से आग बबूला हो गए अंबानी। कोलकाता के ईडन गार्डन में मुंबई और केकेआर की भिड़ंत हुई, मुकाबला सबको पता था शानदार होगा क्योंकि दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त खेल दिखाती हैं। मुंबई से उम्मीद थी कि पिछली हार का बदला लेगी और एक घर पर केकेआर को मात देगी, लेकिन मुकाबले में बारिश ने खलल डाला, चार ओवर मुकाबले के कम हो गए। लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और फैसला थोड़ा महंगा पड़ गया क्योंकि केकेआर के बल्लेबाजों ने 16 ओवर में ही 157 रन बना दिए। मुंबई को जीत के लिए 158 रन चाहिए थे जो आसान नहीं था, लेकिन बुमराह ने और पीयूष चावला ने कमाल की गेंदबाजी की, बाकी साथी खिलाड़ियों से थोड़ा कम साथ मिला। अब उम्मीद थी हार्दिक पांड्या के बल्लेबाजों से, लेकिन बल्लेबाज एक बार फिर से अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। लेकिन इस मुकाबले में केकेआर को बहुत कुछ मिला, आज उन्होंने अपने जो बदलाव किए थे नीतीश राणा को मौका दिया वो भी अच्छे लय में नजर आया। पहली टीम है केकेआर जिसके नाम के आगे क्यू लगा यानी क्वालिफाई लिख गया है, जबकि मुंबई इंडियंस एलिमिनेट हो चुकी है यानी आईपीएल 2024 से बाहर हो चुकी है। उम्मीद थी कि जाते जाते कुछ अच्छे मूवमेंट के साथ विदाई लेंगे, लेकिन यहां पर मुंबई की और बुरी हार हुई। क्या हुआ था मैच में, चलिए आपको दिखाते हैं और किस तरह से अब आईपीएल प्लेऑफ का समीकरण बन चुका है वो भी आपको समझाते हैं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी केकेआर की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, पहले ओवर में फिल सॉल्ट और दूसरे ओवर में सुनील नरेन आउट हो गए। सॉल्ट ने 6 रन तो नरेन बिना खाता खोले ही आउट हुए। इसके बाद कप्तान अय्यर 7 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन वेंकटेश अय्यर एक छोर पर खड़े रहे, 21 गेंद पर 42 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। नीतीश राणा 33 रन, रसेल 24 रन, रिंकू 20 रन और रमनदीप 8 गेंद 17 रन बनाए और रमनदीप की तूफानी पारी के बदौलत केकेआर 157 रन तक पहुंच गए। 150 पार होते ही लगने लगा ये चेस आसान नहीं होने वाली। फिर क्या, मुंबई को 16 ओवर में जीत के लिए 158 रनों की जरूरत थी। ओपनिंग के लिए आए रोहित शर्मा और ईशान किशन ने धमाकेदार शुरुआत की, 22 गेंदों पर 40 रन बनाकर ईशान आउट हुए। इसके बाद लय में नहीं दिख रहे रोहित शर्मा, 24 गेंद पर 19 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव 11 रन, तिलक वर्मा 32 रन, हार्दिक पांड्या 2 रन, टीम डेविड 0, निहाल वदेरा 3, नमन धीर 6 गेंद पर 17 रन बनाकर आउट हुए। मुंबई को आखिरी ओवर में जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी, लेकिन नमन धीर की पहले गेंद पर आउट होते ही उम्मीद पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। उसके बाद बची कुछ उम्मीद ये थी कि तिलक वर्मा कुछ खास कमाल करेंगे, लेकिन तिलक वर्मा भी चौथी गेंद पर आउट हो गए और यहीं से पूरी तरह से ये मुकाबला केकेआर की ओर चला गया और इसी के साथ केकेआर पहली टीम बन गई जिसने आईपीएल 2024 के क्वालिफायर में एंट्री ली है। बात करें अगर आईपीएल 2024 के प्लेऑफ की तो 4 जगह होती है, 1 जगह बुक हो चुकी है, अब 3 जगह बचती है जिसमें दूसरा नंबर तो राजस्थान का पक्का माना जाता है, जिसके पास 16 पॉइंट है वो प्लेऑफ तो खेलेगी ही खेलेगी। लेकिन अगर बात करें आखिरी बचे 2 स्थान की तो उसमें हैदराबाद के चांस ज़्यादा हैं, 80% के आसपास चांस है, और जो नंबर 4 बचता है उसमें कई सारी टीमें हैं, पहले तो CSK है, दूसरी है RCB और साथ साथ दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ, ये 4 टीमें हैं और इन 4 टीमों में से कोई एक टीम चौथे नंबर पर पहुंचेगी, वो कौन सी चौथी टीम होगी ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल आपको क्या लगता है वो कौन सी 4 टीमें होंगी, कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।